महीना भर पहले मैंने ही मेरे साथी के साथ एक प्रेस ब्रीफिंग करी थी, जिसमें फ्रॉड्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो फ्रॉड्स हैं वो किस तरह 41,167 करोड़ से 71,543 करोड़ बढ़े, मैंने ये बात की थी एक साल में। और अगर सिर्फ इस वर्ष की अप्रैल से लेके जुलाई तक की गणना की जाए तो 32,000 करोड़ रुपए के बैंकिंग क्षेत्र में फ्रॉड्स घोषित हो चुके हैं। ये रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ। और इस बैंक में 23 सितंबर तक सब कुछ ठीक था और 23 सितंबर को अचानक ये बता दिया जाता है कि अगले 6 महीने में एक डिपॉजिटर इस बैंक से अपना मात्र 1,000 रुपया निकाल सकता है। उसको 2 दिन में पता नहीं कौन सी गणित लगाई, कौन सी गणना हुई, 2 दिन बाद बोले 1,000 नहीं चलो 10,000 दिया कि मैं मेरा पैसा अगर PMC बैंक के खाते में रखता हूँ तो मेरा क्या गुनाह कि मैं मेरा पैसा नहीं ले सकता? और क्यों नहीं ले सकता? कौन रोक रहा है अपना पैसा लेने से? सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने घोषणाएं कर रही, सर्कुलर्स लेके आ रही है। और ये एक बैंक का नहीं होगा, याद रखिए आप, इस बैंक के अंदर दूसरे कोऑपरेटिव बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट्स हैं, FDs हैं। रिजर्व बैंक के अर्ली वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, जिससे वो पता लगाते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस आगे प्रॉब्लम में जा सकते हैं, वो क्या काम नहीं कर रहे थे या उनकी अनदेखी की जा रही थी। इस बैंक के अंदर एक डायरेक्टर साहब हैं पिछले 13 साल से, वो भारतीय जनता पार्टी के 4 दफा से जो मुलुंद से विधायक है उनके सुपुत्र हैं। तारा सिंह जी के पुत्र सरदार रणजीत सिंह जी इस बैंक के अंदर डायरेक्टर है। दूसरी इशू जिस पे मैं चर्चा करना चाहता था आप सब लोगों के साथ, वो है प्याज की कीमत। और पूरे देश का एवरेज प्याज की कीमत होलसेल मार्केट में एज पर नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड 31 रुपया है। माननीय वित्त मंत्री जी तक अगर मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मैडम, इस टेबल के आधार पर मेरी आपसे गुजारिश है, कांग्रेस पार्टी की ओर से गुजारिश है, भारत की जनता की ओर से गुजारिश है कि ये जो बिचौलिए 50-50 रुपये प्रति किलो प्याज पे कमा रहे हैं और प्याज जो एक साधारण व्यक्ति की जो थाली से गायब हो चुका है उसके बारे में आप इंश्योर करें कि ये मार्जिन बुकिंग बंद हो और जो होलसेल प्राइस पे रेगुलेट करके